आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वू एम आई, मैं कौन हूँ। और ये जो टॉक्स मैंने सुनी हुई हैं इसको, इस टॉपिक के ऊपर डेविड वॉर्म और जय कृष्णमूर्ति के बीच, डेविड वॉर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जय कृष्णमूर्ति के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। डेविड वॉर्म एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक, फिजिसिस थे, साइंटिस्ट थे वो, और क्वांटम मैकेनिक्स पर उन्होंने काफ़ी काम किया। उनकी किताबें भी हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं डेविड वॉर्म की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डेविड वॉर्म ने क्लोजली काम किया हुआ है एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ और ओपनहाइमर के साथ, जिन्होंने एटम बॉम्ब का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था। तो इनके बीच में जो डायलॉग्स होते हैं कि मैं कौन हूँ, वू एम आई, तो वू एम आई का मतलब मैं से, मैं, अगर मैं आपको समरी बताऊं, वू एम आई, मैं कौन हूं, यानी आप कौन हैं, तो यू आर नथिंग, यू आर नोबडी। यहां पर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, हम वू एम आई में, मैं कौन हूं मैं, जब हम इस चीज पर जाते हैं, मेडिटेट करते हैं इस चीज पर, तो हम देखते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर हूँ। मेरा क्या रिलीजन है, मेरा क्या धर्म है, मैंने क्या सीखा है, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे हर्ट हुए हैं, मेरी मेमोरी बनती है, मेरे थॉट्स फिर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस बनता है, और वो सब कुछ जब इकट्ठा हो जाता है, तो वह एक मैं बन जाता है, मेरा मी बन जाता है, मैं हूँ, आई एम, मैं कुछ हूँ। क्या उस आई को, वो जो तुम्हारा पूरा मैं बन जाता है, क्या तुम उसको टच कर सकते हो, देख सकते हो? नहीं। और जो उसको देखेगा भी, उस आई को, उस मैं को, वो भी एक मैं होगा, वो भी एक आई होगा। तो आप जिसको समझते हैं वो एम आई, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, तो एक्चुअल में, रियलिटी में, वो आप देख रहे हो अपने पास्ट को। आपकी जो भी मेमोरी है, आपने जो भी जाना है, एजुकेशन, जो भी आपके ऊपर थोपा गया है, और जब आप इससे बियॉन्ड जाते हो तो आपको पता लगता है ये तो सिर्फ एक माइंड है, एक एक्सपीरियंस है जिसको मैं मानता हूँ। इसके आगे क्या है, इसके आगे नथिंग है। नथिंग मतलब नॉट ए थिंग, मतलब कुछ नहीं है वहाँ पर। और ये कहना कि नथिंग है, ये भी एक थॉट से आ रहा है, ये भी एक एक्सपीरियंस से आ रहा है, ये भी हमने जाना है। नथिंग का मतलब बियॉन्ड एवरीथिंग, हमें पता ही नहीं जहाँ पर क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या है वहाँ पे। और वो क्या है उस चीज़ के पीछे, उस चीज़ के बाद वननेस है, कोई डिवीज़न नहीं बचता, कुछ नहीं कह सकते, सिंपली उसमें एक ही चीज़ है, आई डोंट नो, आई एम नथिंग, आई एम नोबडी। और ये जो भी सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं कुछ ना कुछ होता हूँ, वो बहुत एक छोटी चीज़ है, वो बस कंडीशन है। और हमने उसको समझ लिया है अपने आप को कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं एक संत हूँ, जो कि एक्चुअल में आप नहीं हो। ये तो बर्डन है, ये तो भरा हुआ है, और इससे ही कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो एक्चुअल में जब आप मेडिटेशन करके देखेंगे ध्यान से, तो आप पाएंगे कि आपने जो भी सारी चीज़ें जानी हुई समझी हैं, एक्चुअल में वो हो ही नहीं आप। उससे जब आप आगे देखोगे तो कोई स्पेस, कुछ वर्ल्ड, कुछ है ही नहीं उसके आगे, या कुछ है या कुछ नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते उस बारे में। फिर आप शांत हो जाओगे, फिर बस आप शांत हो गए, बस यही हो आप। तो मेडिटेशन इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेडिटेशन को लेकर मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है कि एक्चुअल में रियल मेडिटेशन क्या होती है। 10 वीडियोस बनाई हुई हैं उसको लेकर, कंप्लीट कोर्स है वो। आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है। और
मैंने एक और नया कोर्स बनाया है कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आप चाहे तो उस कोर्स के बारे में भी जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उसके थ्रू। थैंक यू वेरी मच।